दरभंगा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। कुख्यात अंतरराज्यीय डकैती गिरोह का उद्भेदन एवं संलिप्त 8 अपराधी कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, दरभंगा जिला अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में सबसे बड़ी सोना लूटकांड अलंकार ज्वेलर्स में 9/12/2020 को घटी थी, जिसमें एक दर्जन से अधिक हथियारबंद अपराधी कर्मियों ने दिन दहाड़े प्रतिष्ठान के कर्मियों को हथियार के बल पर कब्जे में लेकर करीबन 11.5 किलो सोना, हीरा के आभूषण एवं 2.5 लाख रुपया नगद लूट किया था तथा गोलीबारी करते हुए भाग निकले थे। उसी घटना में बड़ी कामयाबी दरभंगा पुलिस को मिली है। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जिले के सभी लोग हैं। आपको बताते चले, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरामदगी जो हुई है अपराधी कर्मियों के पास से पिस्टल मैगजीन के साथ 5, देसी कट्टा 2, जिंदा कारतूस 35, 7.65 mm का जिंदा कारतूस 10, 8 mm का मोटरसाइकिल 3, मोबाइल सिम के साथ 12, चांदी जेवर 1 किलो 628 ग्राम, नगर थाना कांड संख्या 320/20, दिनांक 9/12/2020, धारा 395/397 एवं आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था। वही बहेड़ी थाना कांड संख्या 225/21, दिनांक 5/11/2021, धारा 395/397 एवं 27 आर्म्स एक्ट। बहेड़ी थाना कांड संख्या 4/22, दिनांक 9/1/2022, धारा 399/402 एवं 25 1BA, 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था, जिसमें दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 35 जिंदा कारतूस हैं, बाइक है, 12 सिम के साथ है, लूटा गया आभूषण है, लूटा गया कैश है। कितना कैश है? कैश पहले बरामद होता 2.5 लाख। इनका और भी कहीं क्या ठिकाना यहाँ था बहेड़ी में या कहीं से बाहर से? ये मूव करते रहते थे, इन लोगों की लगातार छापेमारी चल रही थी। समस्तीपुर, खगड़िया, अगल बगल के जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी टेक्निकल। क्या इन्होंने दरभंगा में पहले भी इस तरह की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था? तो बताया गया अलंकार ज्वेलर्स जो दरभंगा में हुआ था उनसे पूर्व, और इसका प्रीवियस हिस्ट्री खंगाला जा रहा है। अभी तक जितना आया है उसको आपको दिया जा रहा है। इस गैंग में अभी तक अभी कुछ और बचा हुआ है या सभी का गिरफ्तारी हो चुका है? नहीं, बहेड़ी वाले में तो हो गई है, और कुछ गिरफ्तारियां इस कांड में किया जा रहा है। नगर वाले कांड में कुछ है, उसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं। यही लोग बहेड़ी में भी किए थे, इस गिरोह के कुछ लोग किए हैं। अभी जो गिरफ्तार हुए हैं इनमें से कुछ लोग दोनों कांडों में रहे हैं। इनका मुख्य पेशा क्या सोना लूटना या आभूषण लूटना ही? हाँ, टारगेट सोने के दुकान को ही करते हैं लोग ज़्यादातर। क्या इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया या इसका मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? नहीं, अभी तथाकथित तो मास्टरमाइंड पकड़ा जा सभी का गिरफ्तारी हो चुकी है करीब करीब। कितने गोली इसमें बरामद की गई है? 45 बिहार के अंदर भी इनका बहुत सारे जिलों में है, हाजीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, कई एक जिलों में इन्होंने डकैती के कांड का अंजाम दिया है, और समझिए कि दूसरे स्टेट में भी जाकर करते रहते हैं। लूटी गई सामग्री सारा बरामद हुआ या अभी बचा हुआ है? और कुछ बचा हुआ है जिसके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कुछ भेज दिया गया है, कुछ बाकी बरामद हो गया। सर बताइए, दरभंगा जिले के अलंकार ज्वेलर्स में एक बहुत बड़ी लूटकांड हुआ था 9/12/2020 को, जिसमें काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में सोना, हीरे के आभूषण और कैश की डकैती हुई थी। तब से पुलिस तत्परता से, तकनीकी सेल के सहयोग से, पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर के मार्गदर्शन में लगी हुई थी। उसी क्रम में गिरफ्तारियाँ हुई थी, आभूषणों की बरामदगी हुई थी, नगद कैश की बरामदगी हुई थी। पुनः बहेड़ी थाना अंतर्गत 5/11/21 को एक डकैती कांड हुआ, जो राजसी ज्वेलर्स में तकनीकी, उसके पश्चात SDPO बेनीपुर, SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में
बहेड़ा के सीआई थे, उस टीम में एसएचओ बहेड़ी थे जिनका बहुत योगदान रहा। उस टीम में पुलिस निरीक्षक सत्यप्रकाश झा थे, विश्वविद्यालय थाना के इंचार्ज भी हैं। बहादुरपुर थाना के एसएचओ भी उस टीम में थे, राकेश कुमार वगैरह भी थे। और तकनीकी सेल का सहयोग रहा, तकनीकी सेल को मार्गदर्शन मिलता रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्होंने अभी जस्ट प्रभार लिया है, उनसे लगातार संपर्क रहा। रात रात में, देर रात में भी उनका सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, जिसके फलस्वरूप 9/1/2022 को यानी कल बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह के कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें सारे नाम डकैती की योजना बनाते हुए इन सबको ये किया गया, सारे डिटेल्स आकर दी गई हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना रहे हैं, बहुत से बड़े, बहुत पुराने, बहुत संगीन अपराधों में संलिप्त रहे हैं, काफ़ी दिनों से वांछित थे। कहा जा सकता है कि दरभंगा पुलिस की नए वर्ष के ये पर बहुत बड़ी सफलता है। सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है जो हमारे वरीय एसएसपी महोदय के नेतृत्व में काम कर रही थी। सारे इंस्पेक्टर्स, एसएचओस, तकनीकी सेल के सारे लोग, सारे सहयोगी, सारे कर्मियों को प्रशंसा के पात्र हैं, और सबके लिए पुरस्कार के लिए।